हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर पुलिस जेल में या कस्टडी में किसी व्यक्ति के साथ मार पिटाई करती है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो आज मैं यही जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ हमारे चैनल भारद्वाज लॉ टिप्स एंड गाइड में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो काफ़ी बार लोगों के ये सवाल होते हैं कि अगर पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में या जेल में उनके साथ मार पिटाई करती है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। तो जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसके पास थाने में ले जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 57 के अनुसार उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो अगर आपके साथ थाने में मार पिटाई हुई है, मतलब कि जब आपको गिरफ्तार किया उसके बाद जब थाने में लेके गए, अगर पुलिस वालों ने आपके साथ थाने में मार पिटाई की है तो आपको क्या करना है कि जब पुलिस वाले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें तो आपको उसी टाइम मजिस्ट्रेट को उनकी शिकायत करनी है कि इन्होंने जब हमें पुलिस कस्टडी में रखा तो हमारे साथ मार पिटाई की गई। तो उसमें क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो उनके खिलाफ वही मामला दर्ज करवा दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट उन पर खुद सो मोटो कार्रवाई करेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने उनको जेल में भेज दिया, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, और जेल में जाने के बाद उस पर मार पिटाई होती है, मतलब जेल में उन पुलिस वाले उसके साथ उस अक्यूज के साथ मार पिटाई करते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर किसी को पता चल जाता है कि जो अक्यूज जेल के अंदर है उसके साथ मार पिटाई हुई है तो क्या करना है कि उनको सबसे पहले तो जो अक्यूज का वकील है उससे मिलना है और उनको जाके सारी बात बतानी है कि ऐसे ऐसे उसके साथ जेल में मार पिटाई की जा रही है। तो उसमें वकील क्या करेगा कि एक वहाँ पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाएगी सीआरपीसी की सेक्शन 54 के तहत। उस एप्लीकेशन में मेंशन कर दिया जाएगा कि जो मेरा अक्यूज है जो जेल में है उसके साथ पुलिस वाले मार पिटाई कर रहे हैं तो उसका मेडिकल किया जाए। तो उसमें ये भी मेंशन कर दिया जाएगा कि जो मेडिकल किया जाए उसमें या तो वकील की उपस्थिति हो, जो एक्यूज का जो वकील है उसकी उपस्थिति हो, या एक्यूज के परिवार का कोई भी व्यक्ति उपस्थित हो जिससे कि पुलिस अपने खुद के अनुसार कोई भी रिपोर्ट ना बनवा सके। क्योंकि उसमें अगर ये मेंशन किया जाएगा उसके बाद कोई विश्वास वाला इंसान उसके साथ रहेगा जब उसका मेडिकल किया जाएगा। तो उसके बाद जब ये 54 के तहत सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत जब हम एप्लीकेशन देंगे तो उसमें क्या उसके अनुसार ऑर्डर करेगी कोर्ट और उसके अनुसार उसका जो एक्यूज है उसका मेडिकल किया जाएगा। और मेडिकल में अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई उसके साथ जो एक्यूज है उसके साथ रियल में जेल में मार पिटाई हुई है तो उसी टाइम उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कानून की जानकारी है तो उसका आप उपयोग कीजिए जिससे कि कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी हो आपके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारी सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।